नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका सीडीपी क्लास 24 के अंदर, जहां पर आज हम आपके साथ बात करेंगे किसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्लूम के बारे में। जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था कि आज हम बात करेंगे ब्लूम के बारे में, और ब्लूम के अंदर भी काफी सारे डोमेन्स है। तो ब्लूम के अंदर आज हम पकड़ेंगे सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को और बात करेंगे कि ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन के अंदर क्या बात कही गई थी और जब वो रिवाइज हुआ तो उसने क्या क्या बदलाव आए। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर मैंने देखा कि क्यों आप तक कई सारी वीडियोस नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि मुझे कई बार आपके कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी रेगुलर वीडियोस हमें नहीं मिल पा रही, कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता। तो नोटिफिकेशन ना आने का या फिर रेगुलर वीडियोस ना मिल पाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा, या फिर सब्सक्राइब कर भी रखा है तो बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया होगा। तो मेक श्योर कि आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है, क्योंकि इससे आपको रेगुलर फायदा होगा और रोज 9 बजे जो आपको क्लास मिलती है उसकी रेगुलर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि आपके आने वाले प्रिपरेशन में आपका बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी और उसके रिवीजन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़े, उससे पहले हम देखते हैं कि ये सारी चीजें कब हुई थी, कैसे हुई थी। सबसे पहले बीएस ब्लूम, इससे पहले हमने कॉग्निटिव थ्योरी पढ़ी थी और कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर हमने 3 लोगों के बारे में चर्चा करी। पहले हमने चर्चा करी पियाजे के बारे में, फिर हमने चर्चा करी वाइगोट्स्की के बारे में, ठीक है, और उसके बाद हमने चर्चा करी किसके बारे में, ब्रूनर के बारे में। ठीक है, जब हमने इन तीनों के बारे में चर्चा करी, तीनों का अपना अलग अलग नजरिया था बताने का। पियाजे ने भाई बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के बारे में बताया कि भाई बायोलॉजिकल मैच्योरेशन से ऑटोमेटिक जो है हमारी कॉग्निटिव ग्रोथ होती है। वाइगोट्स्की ने कहा कि भाई किस तरीके से सोशल एंड लैंग्वेज जो पर्सपेक्टिव होते हैं वो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है। ब्रूनर ने कहा कि किस तरीके से स्टेजेस के अंदर, डिफरेंट स्टेजेस में मेंटल रिप्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद इमेज और सिंबल, ठीक है, किस तरीके से ये सारी चीजें जो है हमारे कॉग्निशन को इफेक्ट करती हैं और किस तरीके से इसकी बदौलत हम चीजों को सीखते हैं और अपने दिमाग में एक चीज फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट, और पियाजे की भाषा में कहें तो हम कहते हैं उसको स्कीमा। स्कीमा जो हमारे दिमाग में फॉर्म होता है उसको फॉर्म करने के अलग अलग तरीके इन सब लोगों ने बताए। इसके बाद जब ये तीनों अपना काम कर रहे थे, फिर उसके बाद चीजें टीचिंग के रूप में आने लग गई और फिर कॉग्निशन को और भी डीपली देखा जाने लगा, तो उस समय बीएस ब्लूम आए और बीएस ब्लूम ने अपनी एक टैक्सोनॉमी निकाली। उन्होंने कहा कि किस तरीके से, क्योंकि कॉग्निशन पे काम हो रहा था तो इन्होंने कॉग्निशन पे ही काम किया, और कॉग्निशन के बारे में इन्होंने कहा कि किस तरीके से बच्चा जब सीखता है तो उसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, यानी कि बच्चा यहाँ पे कंसेप्ट तो फॉर्म कर लेता है। कंसेप्ट फॉर्म इन तीनों ने किसके बारे में कहा, कंसेप्ट फॉर्मेशन के बारे में कहा, यानी कि बच्चे ने बॉल का कंसेप्ट, बच्चे ने कार का कंसेप्ट तो बना लिया है, लेकिन ब्लूम ने कहा कि कार का कंसेप्ट बनने के ऊपर भी बहुत सारी चीजें रहती हैं, केवल चीजों के बारे में जान लेना ही कॉग्निशन नहीं है। कॉग्निशन अपने आप में बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही एनालिटिकल प्रक्रिया है, तो केवल कंसेप्ट फॉर्मेशन इज नॉट द एंड ऑफ कॉग्निटिव सर्कल। तो यानी कि सिर्फ कॉग्निटिव के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ कंसेप्ट फॉर्म करना नहीं है। ब्लूम के अनुसार उसने कहा कि जब हम कोई कंसेप्ट सीखते हैं तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, तब वो चीजें हमारे दिमाग के अंदर नेचुरलाइज होती हैं, हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक हायरार्की बनाई, एक इस तरह की हायरार्की बनाई, और उसने क्या किया, उसने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। यानी कि हालांकि बीएस ब्लूम के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खास बात क्या थी कि ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी बनाई थी उसमें केवल एक ही डोमेन के बारे में बात करी थी। ब्लूम ने अपनी टैक्सोनॉमी नंबर 1 1956 में बनाई थी और इसने केवल कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2001 में ये ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है ये दोबारा रिवाइज हुई थी, जिसको किसने किया था, जिसको किया था एंडरसन एंड क्रैथवॉल ने इसकी थ्योरी को क्या किया था, रिवाइज किया था, यानी कि इसकी टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया था और टर्म्स बदले थे। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल टैक्सोनॉमी को जानते हैं, फिर रिवाइज वर्जन को समझेंगे। ठीक है, तो उसने किस तरीके से कंसेप्ट फॉर्मेशन के बारे में बात करी और किस तरीके से कॉग्निटिव डोमेन के बारे में बात करी। ठीक है, और जब 2001 में चीजें रिफॉर्म हुई, जब बदली, तो बीएस ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है वो 3 डोमेन्स में डिवाइड हो गई। कितने डोमेन्स में डिवाइड हो गई, 3 डोमेन्स में। पहला डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, दूसरा डोमेन था इफेक्टिव डोमेन, और
और तीसरा डोमेन था साइकोमोटर डोमेन डोमेन। ठीक है, तो इन तीन डोमेन्स में बात होने लगी। तो इन दो डोमेन्स के बारे में हम अगली क्लासेस में चर्चा करेंगे, आज हमारा मुख्य फोकस है कॉग्निटिव डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ब्लूम ने किस से शुरू किया? सबसे पहले उसने प्रोसीजर से समझा। अब देखिए हम भी एक एग्जांपल को लेकर के चीज को समझेंगे ताकि चीज हमारे लिए ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लीजिए कोई एक कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम एक मैं आपके आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अब कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? ऑब्वियस बात है दिल्ली है। ठीक है, या न्यू दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली है। तो यहां पर अब दिल्ली का जो कंसेप्ट है इसी एग्जांपल को लेकर के मैं पूरी आपको टैक्सोनॉमी अभी बताने वाला हूं। ठीक है, तो किस तरीके से ये चीजें अपने आप में अलग है, इसको कैसे समझें? तो जब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा कि बताओ इंडिया का कैपिटल क्या है, तो आपने बोला इंडिया का कैपिटल है दिल्ली। ठीक है, यानी कि आपको पता है। अगर बाय चांस मैंने किसी और बच्चे से पूछा, मैंने पूछा कि भाई आप बताइए कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, तो बच्चे को पता ही नहीं है, तो बच्चा या तो कुछ और स्टेट का नाम ले पा रहा है या फिर दिल्ली नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे केस में दो कैटेगरी हो गई, यानी कि अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया, यानी कि आपसे कोई सवाल पूछा गया तो या तो आपको उसका जवाब आता है या आपको उसका जवाब नहीं आता है। आपसे आप इसके बारे में फट्टे नहीं मार सकते, मतलब आप ऐसी घुमा घुमा के बातें नहीं कर सकते। आपसे डायरेक्ट पॉइंट का क्वेश्चन पूछा गया है तो पॉइंट में ही आंसर आना चाहिए। या तो आपको आंसर पता होगा या तो आपको आंसर नहीं पता होगा। इसको हम कहते हैं 0:1 रेशियो। या तो आपके पास जीरो मार्क्स हैं या फिर पूरा, या तो आपकी टीवी पे एकदम साफ पिक्चर आएगी या फिर कुछ नहीं आएगा। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं नॉलेज। इसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज, ज्ञान। सबसे पहले हमें क्या होता है? कंसेप्ट की प्राप्ति होती है, यानी कि सबसे पहले हमें कंसेप्ट बिल्ड होता है। यहां पर इन लोगों ने, पियाजे वगैरह ने जो बात करी कंसेप्ट बिल्ड की, जैसे बॉल का कंसेप्ट बिल्ड हुआ, तो यहां पर दिल्ली का कंसेप्ट बिल्ड हुआ। और ये दिल्ली का कंसेप्ट कैसे बिल्ड हुआ? कि भाई कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है। तो नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब किसी चीज के बारे में पता चलना कि ये चीज ये है, ये पर्टिकुलर चीज ये है। कंसेप्ट बिल्ड होना इज नॉलेज, यानी कि जब हम चीजों को पता कर लेते हैं कि हाँ भाई ये है। चीजों को समझ जाना इज नॉट नॉलेज, चीजों का पता होना इज नॉलेज। यानी कि हमें पता चल गया कि भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो ये नॉलेज है, इसको हम कहते हैं ज्ञान। जब अब दिल्ली के बारे में आपको पता चल गया कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ठीक है, अब मैंने आपसे अगला सवाल पूछा, पहला सवाल हो गया। अब मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा, ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट दिल्ली, यानी कि अब दिल्ली के बारे में कुछ बताओ। अब जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं हूं, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो दिल्ली में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में जानता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से जो जो मैंने देखा है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, एक ऐसा बच्चा हो सकता है, या तो वो इंडिया का हो, इंडिया के किसी दूसरे स्टेट का हो, या फिर किसी दूसरी कंट्री का हो, तो उसने अगर दिल्ली के बारे में पढ़ा है तो वो दिल्ली के बारे में जितना उसका पढ़ा हुआ ज्ञान है, यानी कि जितनी उसकी नॉलेज है, जितना वो जानता है, उसके बारे में उसको रिप्रोड्यूस कर पाएगा, उसके बारे में बता पाएगा। जैसे मैं बता पाऊंगा दिल्ली में यहाँ पे ये है, दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में कुतुब मीनार है, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे वैसे होता है, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है, दिल्ली में मेट्रो है, दिल्ली में ये है, दिल्ली में वो है, इस तरीके से मैंने बातें बता दी। लेकिन शायद इतने अच्छे तरीके से वो ना बता पाए जिसने केवल दिल्ली के बारे में पढ़ा है, यानी कि नॉलेज, जिसने नॉलेज मुझे भी है, नॉलेज उसे भी है, वो उसको बता देगा। तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब या कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? समझ, कि आपको कंसेप्ट के बारे में क्या पता है। सबसे पहला कंसेप्ट का पता होना, कंसेप्ट का पता होना मतलब क्या है? नॉलेज। आपको ये पता है कि भाई भारत की राजधानी दिल्ली है, ये नॉलेज है। ठीक है, अब दिल्ली के बारे में पता होना, कि आपसे पूछा कि भाई दिल्ली में क्या क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, तो इससे आपसे ये नहीं पूछा गया। अब ये 0:1 के बारे में नहीं है, मैंने क्या बोला था कि इसका रेशियो 0:1 होता है, या तो आपको आंसर पता होगा या तो आपको आंसर नहीं पता होगा। लेकिन कंप्रीहेंशन 0:1 ऐसे नहीं होता। इसके अंदर क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा पता है तो आप अपने हिसाब से घुमा फिरा के कुछ भी बोल सकते हैं। आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपकी समझ को शो करता है, यानी कि किसी कंसेप्ट के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, अपने शब्दों के थ्रू उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो उस एक्सप्रेस के थ्रू उस कंसेप्ट के अंदर आपकी क्या समझ है उसको मैं जानता हूं। जब मैं क्लासरूम सिचुएशन में देखूं, तो जैसे मैंने बच्चे से बात करी,
थी, बच्चों ये बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, तो बच्चों ने बोला रेड, तो ये बच्चे की नॉलेज है क्योंकि बच्चे को पता है। लेकिन फिर मैंने ये बोला कि अच्छा ये बताओ कि सेब जो है वो सेब के बारे में कुछ बातें बताओ, तो बच्चे अब सेब के बारे में जो जानते होंगे कि वो केवल वही उस चीज को बता पाएंगे। किसी बच्चे ने आज तक कभी सेब खाया नहीं, कि सिर्फ सुना है या फिर सिर्फ देखा है, तो वो उसी हिसाब से बता पाएगा। यानी कि लोगों का बताने का तरीका उनकी समझ पे डिपेंड करता है कि वो उस कंसेप्ट के बारे में कितना जानते हैं। तो यहां पे आता है कंप्रीहेंशन, और कंप्रीहेंशन से आपको पता होगा आपके पैसेजेस आते हैं एग्जाम के अंदर, वहां पे लिखा होता है कि कॉम्प्रीहेंशन स्किल, मतलब आपकी समझ की प्रकाष्ठा को चेक किया जाता है। यानी कि आप चीजों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, इस चीज को टेस्ट किया जाता है सेकंड में। यानी कि ब्लूम के अनुसार कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हुआ कि सबसे पहले बच्चा किसी कंसेप्ट के बारे में जानता है और फिर उसके ऊपर अपनी समझ को डेवलप करता है, और जब समझ को डेवलप कर लेता है मतलब उसको पता चल गया कि भाई ये दिल्ली है और दिल्ली के बारे में भी उसको पता चल गया, तो अब दिल्ली की बातों को वो अपनी पर्सनल लाइफ में उतारता है। या फिर अगर सिंपल दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर मैथ्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले बच्चे को एडिशन के बारे में बताया जाता है कि भाई बच्चों ये एडिशन होता है, तो बच्चे को लाइफ में पहली बार एडिशन का मतलब पता चलता है, इसका मतलब उसको नॉलेज हो जाती है। लेकिन अभी वो केवल सवाल कर पाता है, ठीक है, सवाल अगर जो दिए गए सवाल है उसको उंगली पे जोड़ पाता है। कुछ समय के बाद उसके दिमाग में क्या होगा, एडिशन का एक सेंस डेवलप हो जाएगा, मैथ्स का सेंस डेवलप हो जाएगा कि एडिशन का मतलब ये होता है कि चीजों को जोड़ना, इस तरीके से ये करना, इसको एडिशन कहते हैं। तो बच्चा जब कंप्रीहेंशन सीख जाएगा, यानी कि उसको जो पता चल गया कि इस तरीके से ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, तो जब नेक्स्ट टाइम जब वो किसी दुकान में जाएगा या फिर पापा ने कहा कि मम्मी से 5 रुपए ले लेना, भैया से 6 रुपए ले लेना, और ठीक है और तुम्हारे पास 8 रुपए बचेंगे, तो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, बोलेगा नहीं पापा मम्मी 6 देंगे और भैया 6 दे और भैया 5 देंगे तो मेरे पास 11 रुपए हो जाएंगे। तो बच्चे ने क्या किया, अपनी इस नॉलेज को रियल लाइफ में टेस्ट किया। यानी कि आपके पास जो नॉलेज है और नॉलेज के ऊपर जो समझ है उसको आप किस तरीके से रियल लाइफ में यूज करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन की सेंस कहलाती है। और एप्लीकेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब जो चीज आपको पता है उसका इस्तेमाल करना। यानी कि मैं जिस चीज को जानता हूं मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, मैं मोबाइल को जानता हूं तो मोबाइल की वजह से किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, इंटरनेट को जानता हूं तो किस तरीके से वीडियो को शेयर करते हैं। यानी कि एक होता है नॉलेज का होना, नॉलेज के होने के साथ साथ कॉग्निटिव की नेक्स्ट प्रकाष्ठा होती है कि उसका यूज करना। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज है लेकिन आप उसका यूज ही नहीं करते, तो कॉग्निटिव लेवल के अंदर आप केवल 2 पे ही रह जाएंगे कि केवल आपको उसकी समझ है, आप इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। ब्लूम के अनुसार भाई नॉलेज यानी कि कॉग्निशन का हाईएस्ट लेवल ये होता है, और यहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। इसलिए बच्चों में हमें क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है कि बच्चा केवल नॉलेज या कॉम्प्रिहेंशन तक ना रहे, अब इवेल्युएशन तक पहुंचे। तो अभी जो रिसेंट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं और जो रिसेंट अभी स्कूल्स के अंदर जो करिकुलम चलता है, तो मैंने अभी रिसेंट जो करिकुलम पढ़ा है उसके अनुसार जो मैं बताता हूं कि अभी बच्चे तो इवेल्युएशन के स्टेज भी क्या, अभी तो बच्चे एप्लीकेशन के स्टेज तक भी नहीं पहुंचे हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन सिलेबस हम जो है अभी एप्लीकेशन स्टेज पे ही जूझ रहे हैं। यानी कि हमारी जो किताब है, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, हम अभी तक बच्चों को अभी तक हम अधिकतर आपने देखा होगा और वो भी 90% लोग तो नॉलेज पे ही है। यानी कि अधिकतर लोग स्कूल के अंदर क्या सिखाते हैं, नॉलेज, यानी कि पढ़ा दिया बच्चों को, क्वेश्चन आंसर याद हो गए, बस समझ गए छुट्टी, बस इतना ही करते हैं। बच्चे को समझ तक डेवलप नहीं करते कि बच्चे को ये पता ही नहीं चलता है कि वो चीज वो क्यों पढ़ रहा है। जिस दिन बच्चे को ये समझ में आएगा कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं या फिर इसका ये मतलब है, समझ जाएगा उसको, तब वो कॉम्प्रिहेंशन के लेवल पे जाएगा। अभी तो हम इंडिया अगर सिनेरियो में देखें तो हम इसी नॉलेज से कॉम्प्रिहेंशन तक ही जाने में जूझ रहे हैं। तो इसलिए टैक्सोनॉमी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब हम अपने क्लासरूम में जाते हैं, हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं, आप अपने आप को जज कीजिए कि आपकी जो टीचिंग है या फिर आप क्लास में जो कुछ भी करते हैं वो ब्लूम के अनुसार किस लेवल तक पहुंच रहा है। क्या आप भी नॉलेज तक ही हैं या फिर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच गए हैं। अंडरस्टैंडिंग के बाद जब बच्चा उसको रियल लाइफ में यूज करने लग जाता है तो एप्लीकेशन है। तो अभी तो हम यहां पर हैं, अभी इंडिया में केवल 2-3% बच्चे ही हैं जो एप्लीकेशन के स्टेज पे हैं, जो उसको अपनी रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो ठीक है, जब उसका अनुप्रयोग हो जाता है, जब उसके रियल लाइफ में यूज कर लेते हैं, तो ब्लूम कहता है जब बच्चा उसको रियल लाइफ में यूज करने लगता है तो फिर वो उसकी एनालिसिस स्टार्ट कर देता है कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वह कैसे होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनानी स्टार्ट करी। सबसे पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि यूट्यूब पे वीडियो भी बनती है, तो फिर मुझे पता चला हाँ यूट्यूब पे वीडियो बनती है, तो मुझे नॉलेज हो गई कि हाँ। फिर मैंने उसको समझा कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, चीजों को समझ गया, कई लोगों से बात करी, वीडियोस देखी, तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई ऐसे से सारा काम होता है। मेरे को उसकी समझ भी डेवलप हो गई। लेकिन समझ डेवलप होना और यूट्यूब पे वीडियो बना करके डालना दो अलग बातें हैं। अब मैंने अपनी समझ के अनुसार वीडियो बनाई और वीडियो को डालना शुरू कर दिया।
दिया, तो यानी कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई, यानी कि मैं वीडियो को अप्लाई करता हूं और वीडियो को डालता हूं और वीडियो आप देखते हैं, तो ये मेरा एप्लीकेशन लेवल है। लेकिन जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि अभी वीडियो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया ना कि आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती, क्यों? क्योंकि या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है। अब ये चीज मुझे कैसे पता चली, क्योंकि कल मैं अपने चैनल पे एनालिटिक्स देख रहा था तो उसमें मैंने देखा कि कितने सारे सब्सक्राइब यूजर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और कितने सारे अनसब्सक्राइब्ड है, यानी कि वीडियो पे जितने व्यूज आते हैं उसमें कितने सब्सक्रिप्शन वाले लोग हैं और कितने विदाउट सब्सक्रिप्शन वाले लोग हैं। तो मैंने जब इसको देखा तो हैरान रह गया, मैंने देखा अभी भी चैनल पे जो मेरे मैक्सिमम व्यूज आते हैं वो नॉट सब्सक्राइब्ड लोग आते हैं, यानी कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यही कारण है कि उन तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती और वो काफी सारी चीजों को मिस कर देते हैं। तो ये जो मैंने आपको ये चीज बताई, हालांकि ये एक फैक्ट है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, लेकिन ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ये एक्चुअली में किस चीज का एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है एनालिसिस का, क्योंकि मैंने वीडियो के बारे में जाना, वीडियो के बारे में समझा, वीडियो पोस्ट भी करना शुरू कर दिया। अब मैं वीडियो बनाए जा रहा हूं, ना व्यूज आ रहे ना कुछ आ रहे, लेकिन वीडियो बनाए जा रहा हूं। ठीक है, अब ये चीज अगर मैं करे जा रहा हूं तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा एप्लीकेशन लेवल पे तो डेवलप हो गया, मैं चीजों को यूज तो कर पा रहा हूं, लेकिन अभी सेंस डेवलप नहीं हुआ कि भाई किस तरीके से काम किया जाता है, उसको एनालाइज करना नहीं आया कि भाई इसको किस तरीके से किया जाए कि मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो वो लेवल होता है हमारा एनालिसिस, जब हम चीजों को विश्लेषण करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है, क्या रिजल्ट है, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्या गड़बड़ी हो रही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, जब इसके बारे में हम जानना शुरू कर देते हैं तो मतलब हम एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो समझ जाइए कि एक लेवल और ऊपर हो गया। तो फिर बच्चों के अंदर इस लेवल तक बच्चों को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और आपकी टीचिंग कितनी ज्यादा अच्छी है कि बच्चे जो कंसेप्ट को पढ़ते हैं उस चीज को ये भी सोचते हैं कि भाई इसका क्या प्रैक्टिकल यूज है या फिर इसके अंदर क्या क्या क्रिटिकल बातें हैं। ठीक है, फिर जब मैं इसके बारे में समझ गया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ये होती हैं, फिर उसके बाद और सिंथेसिस करने लग गया। सिंथेसिस का मतलब होता है जो हर एक चीज को मिलाकर के एक होल के रूप में समझना कि भाई मैंने वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया है, एनालिटिक्स भी देखनी स्टार्ट कर दी है, आप लोगों का ऐसा फीडबैक आ रहा है, तो मेरा एक रिजल्ट ये, मुझे इस एम तक पहुंचना है, तो अब क्या किया जाए कि यहां तक पहुंचा जाए। मतलब अब मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, अब मैं ये सोचूंगा कि हाँ अब मेरे को एक एम सेट करना है कि केंद्रीय विद्यालय, जो केंद्रीय विद्यालय के अंदर जो अपकमिंग वैकेंसीज है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करना है, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए मुझे रेगुलर वीडियोज डालनी पड़ेगी, एक सब कुछ टाइम सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं टाइम सही सेट नहीं करूंगा और सही तरीके से वीडियो नहीं डालूंगा तो ऑडियंस जा सकती है, इसलिए एक टाइम सेट किया कि हाँ भाई 9 बजे वीडियो आएगी और 9 बजे जो सारे यूजर्स हैं वो वीडियो को देख पाएंगे। तो ये जो एनालिसिस मैं कर रहा हूं कि आगे मुझे क्या करना है, सारे फैक्टर्स को समझ रहा हूं और आगे की स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, वो है मेरी सिंथेसिस। वो मेरी कौन सी स्ट्रेटेजी है? सिंथेसिस। ये अगर हम क्लासरूम में देखें तो कहने का मतलब है जब बच्चा एग्जाम के अंदर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सीखता है और ये समझता है कि भाई जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं जब मेरे से जब पूछा जाएगा तो मैं किस तरीके से आंसर दूंगा, क्या चीजें करूंगा, क्या चीजें नहीं करूंगा, किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मतलब उसको एक चीज क्रिएट करता है कि हाँ आगे इस चीज को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो समझ जाइए वो सिंथेसिस पे आ जाता है। और सिंथेसिस जो है यहां तक लोगों का पहुंचना तो वो बहुत मुश्किल है, यहां पे समझ लीजिए 1% लोग भी सिंथेसिस पे नहीं पहुंच पाते। ठीक है, और जब हम सिंथेसिस पे चले जाते हैं यानी कि जब हम चीजों को क्रिएट कर लेते हैं और उस चीज को अटेम्प्ट कर देते हैं और अटेम्प्ट करने के बाद एक रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं, रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं कि भाई हमने जो सोचा था क्या उस हिसाब से रिजल्ट आया। मैंने सोचा था कि आज इस वीडियो के बाद सभी जो मेरे व्यूवर्स हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके जाएंगे, लेकिन बाद में जब मैंने एनालिसिस किया और मुझे पता चला कि भाई ये तो ऐसा तो नहीं हुआ, सब्सक्राइबर्स ने तो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया या फिर उन्होंने फ्री भी बेल आइकन थी और फ्री में सब्सक्राइब का बटन दबाना था लेकिन उन्होंने नहीं दबाया, तो उसका क्या कारण हो सकता है, फिर मैं उसके पर एनालिसिस करूंगा, उसकी जस्टिफिकेशन करूंगा, तो वो मेरा इवेल्युएशन स्टेज पर आता है। 1956 की थ्योरी के अनुसार, ब्लूम टैक्सोनॉमी की 1956 की थ्योरी के अनुसार इवेल्युएशन नंबर 1 पे आता है, यानी कि हाईएस्ट कॉग्निटिव स्किल इवेल्युएशन है, यानी कि यहां तक पहुंचना पॉइंट में लोग यहां पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहां पर नॉलेज में अधिकतर लोग 90 से 95% लोग यहीं रहते हैं, 3-4% यहां रहते हैं, यहां से 1% और उससे कम ऊपर होते रहता है। तो आप इस थ्योरी को इतने हल्के में मत लीजिएगा, हल्के में इसलिए नहीं कि समझने के लिए पढ़ाई के नजरिए से नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस थ्योरी का पढ़ना हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम रेगुलर क्लासरूम्स में जाते हैं तो हमें ये पता ही नहीं होता कि रियल टीचिंग क्या है। रियल टीचिंग आप जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसका मेन मकसद ये है, बच्चे के अंदर ये सारी चीज डेवलप करना, बच्चे के अंदर ये थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना, यही सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारी थियोरीज पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर पेडागोजिकल कंसर्न डेवलप होता है, और जब पेडागोजिकल कंसर्न डेवलप होता है, क्योंकि मैंने कितने सारे एग्जाम्पल सेट किए, तो यही है
हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर आपके प्रश्नों को सॉल्व करने का एक स्किल डेवलप करता है कि आपको पता है कि इस लेवल पे ये होता है, इस लेवल पे वो होता है, तो आप सही आंसर को चूज करने में एकदम समर्थ होंगे। ठीक है, तो ये थी थ्योरी, ये तो 1956 की ओरिजिनल थ्योरी है। अब क्या हुआ, इस थ्योरी को रिवाइज कर दिया गया। कब रिवाइज किया गया? 2001 में किसने किया? एंडरसन और क्रैथवॉल ने किया, बिल्कुल सही। तो अब जब इसको रिवाइज किया गया तो उसने क्या बदला हुआ है, तो ये इसको मैं यही रहने देता हूं, इसके साथ में एक दूसरा बना देता हूं। तो 2001 में थ्योरी रिवाइज हुई, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहां पर ये जो चीजें थी ये नाउन की फॉर्म में थी, नाउन संज्ञा की फॉर्म में थी, यहां पे उसको वर्ब बना दिया गया, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे समय बढ़ा लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटी और एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट पे काफी ज्यादा फोकस किया जाने लगा, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नाउन थी, यहाँ पे चीजें सीधी सीधी लिखी हुई थी, यहाँ पे उसको एक्शन फॉर्म में कर दिया गया कि भाई एक्शन होना चाहिए। तो यहां पर जब उसी तरीके से यहां पे भी उतने ही स्टेजेस बने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे एक और बनेगा, तो इसको मैं नीचे एक और बना देता हूं। ठीक है, ये 2001 में बनी और क्या ये था, वर्ब के फॉर्म में बना दिया। ठीक है, तो नॉलेज का मतलब होता है, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, तो इन्होंने क्या कर दिया, नॉलेज को चेंज कर दिया एंडरसन और क्रैथवॉल ने मिलकर, रिमेंबरिंग का मतलब याद करना। आप देख रहे हैं आईएनजी लग गया, आईएनजी का मतलब ये वर्ब बन गया। ठीक है, पहले ज्ञान था, ज्ञान क्या, रिमेंबरिंग, याद करने के प्रोसीजर को सबसे पहले रख दिया गया। याद करने का मतलब उस चीज को पता करना, पता चीज के पता करने के बाद वो याद रहेगी, वो यहाँ पे है। याद रहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई भारत का कैपिटल दिल्ली है, ये याद ही तो रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रहेगा तो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब होता है कि आपको कंसेप्ट के बारे में पता है, और कंसेप्ट का मतलब कंसेप्ट आपको याद है, आपकी मेमोरी में स्टोर है। जब आपको चीजें की चीजों को चीजें याद हो गई तो सेकंड लेवल पे क्या आता है, यहां पर इससे कंप्रीहेंशन है, तो हम उसको यहां पे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपने देखा होगा जब मैं इसको यूज कर रहा था, जब मैं इसको समझा रहा था तो बार बार अंडरस्टैंडिंग ही बोल रहा था, तो वर्ब की फॉर्म में इसको अंडरस्टैंडिंग ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं समझना। ठीक है, समझना, उसके बाद एप्लीकेशन है, तो उसको यहां पर कहेंगे अप्लाइंग। अप्लाइंग यानी के अनुप्रयोग में लाना या फिर लागू करना, लागू करना। ठीक है, मतलब वही है, मतलब वही है। ठीक है, अब उसके बाद आता है एनालिसिस, तो एनालाइजिंग यानी कि विश्लेषण करना, विश्लेषण करना। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर, अब थ्योरी चेंज हुई है तो केवल टर्म थोड़ी चेंज हुई होंगी, कुछ मेजर चेंजेस भी तो हुए होंगे। यहां पर एंडरसन और क्रैथवॉल के अनुसार इवेल्युएशन और सिंथेसिस में एक कंसर्न डेवलप हुआ, उनको एक डाउट क्रिएट हुआ, उनको लगा कि भाई इवेल्युएशन किसी चीज के बारे में जज करना, एनालिसिस के बाद हम जज करते हैं और जज करने के बाद न्यू कंसेप्ट बनाते हैं, उनके अनुसार जो सिंथेसिस है वो ज्यादा कॉग्निटिव एक्टिविटी है बजाय इवेल्युएशन के, तो उन्होंने क्या इसको ऐसे करके चेंज कर दिया, यानी कि इवेल्युएशन यहां आ गया, इवेल्युएशन यहां आ गया और सिंथेसिस यहां आ गया, और सिंथेसिस यहां आया और साथ ही साथ उसका नाम भी बदल दिया गया, जिसका नाम लिख दिया गया क्रिएट। क्रिएट क्रिएट यानी कि क्रिएशन, कोई नई चीज बनाना, कोई नई चीज का इन्वेंशन करना। जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे पॉइंट्स में लोग आते हैं तो किसी नई चीज का इन्वेंशन करना इस क्रिएशन, और आप मानते हैं कि किसी चीज के बारे में केवल जान लेना और उसके जानने के बाद कोई नई चीज बना देना, ये क्या है, अपने आप में बहुत ही बड़ा कॉग्निटिव हाई लेवल के कॉग्निटिव लेवल का रिजल्ट होगा। तो एंडरसन और क्रैथवॉल के अनुसार क्रिएट सबसे नंबर वन पे आया, जो कि सिंथेसिस का ही दूसरा नाम है, और इवेल्युएशन आ गया नीचे। इन सब का मतलब वही है, चीजें वही हैं, बस ये कॉग्निटिव लेवल जो लेवल है उसके हाई प्रोफाइल के अनुसार ये चीजें ऊपर उठ रही हैं। तो कुल मिला के यही थी ब्लूम की थ्योरी, जहां पे इसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम में प्रश्न तो आते ही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, लेकिन क्योंकि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और जब आप बच्चों के साथ जुड़ते हैं, तो हालांकि देखिए आपको अभी तक आपको ये चीजें पढ़ी तो आपने कई बार होंगी, लेकिन आपको आपने बिल्कुल भी ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि 95% तक के जो बच्चे हैं केवल नॉलेज लेवल तक ही हैं, और यहां तक अभी तक यहां पे तो पॉइंट्स में है। तो आप समझिए कि इंडिया, खासकर इंडिया में देखें तो अदर स्टेट्स में, अदर कंट्री में तो फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर है।
लेकिन इंडिया में तो फिर भी बहुत पीछे हैं। तो यहाँ पे टीचर्स का रोल क्या बनता है, किस तरीके से बच्चों से बात करें, किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट करें कि उनका लेवल ऊपर बढ़े, किस तरीके से उनको टीचिंग एड्स दें, किस तरीके से उनके साथ हम इंटरेक्ट करें कि वो चीजों को कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर उसके अंदर डेवलप हो। जब तक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप नहीं होगा, आपको लगता है कि बच्चे क्रिएशन के लेवल पे पहुंचेंगे, बच्चे बिल्कुल भी क्रिएशन के लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। तो आपको इन सब चीजों को समझना है। आशा है आपको ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ये वाली कॉग्निटिव टैक्सोनॉमी जो कॉग्निटिव डोमेन है वो समझ में आ गया होगा। कल हम बात करेंगे इफेक्टिव डोमेन की, और इफेक्टिव डोमेन के बाद हम नेक्स्ट अगर हुआ तो दोनों साथ में कर देंगे, या फिर अगर लंबा लंबा हुआ तो दोनों अलग अलग कर देंगे। फिलहाल अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और मेक श्योर मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल बताए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि इससे आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट जो कल 9 बजे आपको मिलेगी, आपको तभी मिलेगी जब अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया होगा। तो अगर आप अपडेट मिस नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। और वही अगर आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर डीएसएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर छत्तीसगढ़ शिक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगी और आपकी प्रिपरेशन को भी मिलेगा एक नया आयाम। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।